कस्बा चौमुहा स्थित काना पशु आश्रय स्थल में रह रहे गौवंशों की देखभाल करने वाले गौसेवकों को पिछले 5 माह से मजदूरी न मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गौसेवक परशुराम ने बताया कि चौमुहा गौशाला में वो काफी समय से काम कर रहा है। उसके साथ 2 और लोग इसी गौशाला में काम करते हैं। वर्तमान में 60 गौवंश गौशाला में रह रहे हैं। परशुराम का कहना था कि उन्हें 308 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से गौशाला में गौवंशों की देखरेख के लिए रखा गया है, लेकिन अब उन्हें विगत 5 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते घर की माली हालत काफी खराब हो गई है। वह अपने बच्चों तक की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। समय पर पैसा न मिलने के कारण चटनी रोटी खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं गौशाला में रह रहे 60 गौवंशों के लिए पैसे के अभाव में पर्याप्त चारे की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। गौशाला में रह रहे गौसेवकों ने बताया, कभी कभी तो गायों के लिए सूखा भूसा तक नसीब नहीं होता। भूसे के अभाव में गौवंश भूख से रह जाते हैं। भूसा खत्म होने पर लोगों से मांगना पड़ता है, तब कहीं जाकर गायों को सूखा भूसा नसीब हो पाता है। वहीं खल चोकर हरा चारा तो कई माह से नहीं दिया गया, जिसके अभाव में गौवंश काफी कमजोर होकर मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए हैं। जब इस संबंध में नगर पंचायत चौमुहा के अधिशासी अधिकारी राजेश चौधरी से बात की गई तो उनका कहना था कि जनवरी 2020 से सरकार की तरफ से गौवंशों की देखभाल और उनके लिए चारे की व्यवस्था करने के लिए एक भी पैसा नहीं आ रहा है। अधिकारियों को कई बार डिमांड भेजी जा चुकी है, लेकिन गौवंशों के लिए ऊपर से कोई भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। सारी व्यवस्था इधर उधर से मांग कर कराई जा रही है। गौ सेवकों के वेतन की व्यवस्था जल्द ही टाउन फंड से कराई जाएगी। जी, क्या नाम आपका? परशुराम है जी। परशुराम जी, क्या समस्या आपके सामने? यहाँ पे साहब, हम नौकर आदमी है, नौकरी करें और मजदूर आदमी है, रोज कमावे खाए वाले आदमी, 5 महीने तनख्वाह ना आ रही साहब, और हम गौ साला में यही नौकरी करें। कितने लोग यहाँ नौकरी करते हैं? हम 3 लोग हैं साहब। 3 लोगों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला? बिल्कुल, 5 महीना तैनात हो, तीनों भाई हम साथ में खड़े हैं, तीनों मित्र। तो आप किस तरह से गुजारा कर पा रहे हैं अपना? अब साहब ऐसे ही कर रहे हैं, जो मान लो कभी गेहूं में बथुआ ले आवे, कभी पालक ले आवे, मूरी की भुजिया बनाए खा लेते हैं साहब। आलू के दर्शन ही ना आए रे साहब, 5 महीना थे आलू के हमारे बच्चन ने और हमने तो दर्शन करे ना साहब। हरी मिर्च की चटनी बना लेते हैं, मिर्च ने छोंक के खा लेते साहब एक टाइम। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे साहब 3 बच्चे आए, एक 12वीं क्लास में पढ़ते बच्चा, और बाकी एडमिशन मैंने 6000 रुपया हम कराया, और बाकी लाली पड़ा फीस की, पेपर फीस साहब मैं ना दे पा रहा हूँ, बच्चा के पेपर और टेस्ट आ लियो साहब। अब यहाँ कितने गौवंश हैं? अब यहाँ पे साहब 60 से ऊपर हैं। तो उनकी चारे की व्यवस्था किस तरह से हो पा रही है, क्या खा रही है? चारे की व्यवस्था बिल्कुल डाउन है, सूखा भूसा खा रही है, और 2 महीना से खल बिल्कुल ना है, और चोकर के तो 6-7 महीना से बिल्कुल दर्शन ही ना है। क्या कभी ऐसी स्थिति भी आई है कि इस दिन गायों का बिल्कुल चारा खत्म हो गया? हाँ जी, आइए साहब। आ गई है, आइए। जी सर, आज जो है गौशाला पे स्थिति बहुत दयनीय है, गायें भूखी मर रही हैं, वहाँ पे चारा सूखा चारा वो खा रही हैं। बताया जा रहा है कि कई कई दिन तक गाय भूखी रहती हैं, कभी कभी चारे की भी ऐसी स्थिति होती है कि चारा उन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, तो उस अभाव में गाय भूखी रह जाती हैं। गाय भूखी नहीं रहती, भूसे की व्यवस्था की गई है और चूनी चोकर भी दिया जा रहा है हमको। पिछले फरवरी 19 के बाद शासन के द्वारा जो 20 रुपये की धनराशि मिलती थी, हमें अभी तक पैसा उपलब्ध नहीं मिला, जबकि हम लोग अपनी डिमांड भी लगा दिए हैं, और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी शासन को जो है पत्र भेजा गया, उसका रिमाइंडर भी भेजा गया है। फिर भी हम लोग जो है चारे की व्यवस्था, भूसा हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, चूनी चोकर की व्यवस्था हम लोग करते हैं और उनको दिया जा रहा है, गाय भूखी नहीं रहती। अभी 2 माह से बताया जा रहा है कि चुनी चोकर की और ना ही कोई हरे चारे की ऐसी कोई व्यवस्था है गायों के लिए? नहीं, चुनी चोकर की व्यवस्था जैसे खत्म होता कराया जाता है, उसमें कुछ हम लोग कुछ लोगों से भी निवेदन करते हैं कि वो लोग भी कुछ मदद करें इसमें, और जितना होता है हम लोग पूरी व्यवस्था करवाते हैं उसमें चुनी चोकर की, और ग्रांट ना मिलने की वजह से थोड़ी दिक्कतें बहुत आ रही हैं। वहीं कुछ 3 कर्मचारी गौशाला की जो है गायों की देखरेख करते हैं, उनके उनको भी 5 माह से मानदेय अभी तक नहीं मिल पाया, वो भी अपनी समस्या बता रहे हैं। हाँ, उनका मानदेय की व्यवस्था, हम लोग बोर्ड प्रस्ताव भी, बोर्ड बैठक हमारे यहाँ बोर्ड प्रस्ताव हो गया था, उनका जो भी वेतन बनेगा, वो पारिश्रमिक बनेगा, उनका हम लोग टाउन फंड से भुगतान करेंगे, शीघ्र किया जाएगा।